हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, फॉलोअर ने इस वीडियो की डिमांड की थी कि मैं उन्हें इस कोर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊं। तो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तरीके से इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया है। इसका जो टॉप है उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप वहां से जाके इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे मैंने 1.5 मीटर कॉटन साटन फैब्रिक का यूज़ किया है। इसे मैं 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूं। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो 2 मीटर कपड़ा यूज़ करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी मेजरिंग और कटिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैं 2 इंच पे एक मार्क करूँगी। यहाँ पे हमें इलास्टिक अटैच करना है। हमारा जो लेंथ होगा वो 26 इंच पे मार्क किया है मैंने। अब उसके बाद मैंने 2 इंच पे यहाँ एक्स्ट्रा लिया है, इसे हम बॉटम में फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और नीचे के साइड से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें जो हमारा आसन है उसकी मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया। अब मैंने घुटने की मार्किंग की है तो मैंने उसे 16 इंच पे मार्क किया है। अब इस तरीके से दोनों पॉइंट को सीधा कर लेंगे। यहाँ से मैंने 1 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। ये करना ज़रूरी नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब इस लाइन से लेके हमें अपने कमर की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो कमर है वो 8 इंच का है, यहाँ पे मैंने भी 8 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ से 2 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, ये हमारा क्रॉच एरिया होगा। अब यहाँ से हम हल्का सा शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें इस निशान से हमें 10 इंच पे मार्क करना है, ये हमारा सेंटर लाइन होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से और दोनों पॉइंट पे हम इंची टेप को रखकर सेंटर में मार्क करेंगे। यहाँ से भी, घुटने से भी और बॉटम से भी हमें सेंटर में मार्क करना है। तो हमारा जो सेंटर होगा वो 5 इंच का होगा। अब हमें अपने बॉटम की मेजरिंग करनी है। तो हमारा जो बॉटम है वो मैंने 5 इंच का लिया है। तो इस तरीके से इसे हाफ पे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच होगा। तो मैंने 2.5 इंच दोनों साइड से मार्क कर लिया है। अब हमें घुटने की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो घुटना है वो मैंने 6 इंच लिया है। तो इस तरीके से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे स्ट्रेट पट्टी से और यहाँ से भी मैंने एक हल्का सा शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमारा क्रॉच एरिया है उससे हमें यहाँ से और इस पॉइंट से लेके निशान लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब उसके हम ऊपर हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से सेट करेंगे। अब यहाँ से हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है और इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से सीधे से मिला लेना है। यहाँ से भी हम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमने फ्रंट साइड में 2 पॉइंट लिया था क्रॉच एरिया का निशान जो हमने लगाया था। अब इस तरीके से यहाँ पे शेप दे देंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से भी हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला लेंगे और जो हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ से और इस पॉइंट से हम इस स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड से भी हमें मार्क कर लेना है
इस साइड से हम बराबर में ही मार्किंग करेंगे, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुका है, तो हम इस तरीके से इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सीधी साइड पे रखते हुए हम यहाँ स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट पट्टी लूँगी 1 इंच की, और उसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैं पूरे ट्राउज़र पे सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा ट्राउज़र सिल के रेडी हो गया। ये देखिए इसका फाइनल लुक, तो बहुत अच्छे तरीके से सिल के रेडी हुआ है। इस वीडियो में मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।